मंजू अपने पति राजेश पर हमेशा शक करती रहती थी। दिन में 10 बार फोन करके उससे पूछती थी कि वो कहाँ है। उसकी ये आदत उसके दोस्तों में सभी को पता थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड रीना के घर पार्टी में गई होती है। सभी पार्टी में मजे ले रहे थे और वो बार बार अपने पति को फोन कर रही थी। तभी रीना उसके पास आती है। मंजू ये सब क्या है यार, हमारे साथ होते हुए भी तू हमारे साथ नहीं है। कभी तो अपने पति को छोड़ दिया कर, कहीं नहीं जाने वाला है वो। रीना तू ये कैसी बातें करती है, पति को छोड़ दूंगी तो वो 2 मिनट में अपना रास्ता बदल लेंगे। आजकल का जमाना बहुत खराब है यार। अब बस भी कर, इतना शक करके अपने पति का लेवल मत बढ़ा। तेरा पति इतना सुंदर नहीं है जो सभी लड़कियां उस पर मरेंगी। सूखा सा तो है, ना ही पर्सनैलिटी है ना ही कोई बॉडी है, कोई सी लड़की उसे देखेगी भी नहीं। जो भी है जैसा भी है मेरा पति है, मुझे अच्छे से पता है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर मैं उस इंसान को काबू में ना रखूं तो पता नहीं क्या होगा। यार तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, आज तक तुझे कुछ भी ऐसा मिला है जिससे तुझे अपने पति पर शक करने की जरूरत पड़े? मिला नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है इनकी हरकतें कैसी हैं, इसलिए मुझे इन पर शक रहता है। वैसे तेरे पति को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी के पीछे पड़ेगा या कोई उसके पीछे पड़ेगी। उसमें है क्या, न शक्ल है न अकल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तू टेंशन फ्री रहे, तेरा पति कहीं जाने वाला नहीं है। देख मेरे पति को लेकर तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरे पति को कैसे हैंडल करना है। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे ऑफिस जाकर ही देखना पड़ेगा। मंजू और रीना की सारी बातें उसका पति यश सुन रहा होता है। मंजू के निकलते ही वो राजेश को फोन करके सब बता देता है और राजेश मंजू के पहुंचने से पहले ही ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिस में काम करने लगता है। कौन सी भांग की गोली खाई हुई है आपने जो आपको मेरा फोन नहीं दिखाई दे रहा है? कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको, फोन उठाना तो छोड़ो, बैक कॉल भी नहीं कर सकते हो आप मुझे। तुम यहाँ कैसे, तुम तो अपने दोस्त की पार्टी में गई थी ना? गई थी, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर, और मैं आपको देखने के लिए ऑफिस आ गई। मैं तुम्हारा पति हूँ, गुलाम नहीं, जो हमेशा मुझ पे नजर रखती हो और शक करती रहती हो। मैं आप पर शक नहीं कर रही थी, बस परेशान हो गई थी, कहीं आप ठीक तो हैं या नहीं, इसलिए आना पड़ा मुझे। रहने दो, झूठ उसे बोलो जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हारी हर सोच हर हरकत सब कुछ जानता हूँ। अब देख लिया ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है क्या? अब घर जाओ, कोई और काम करो, अब मुझे भी काम करने दो। क्यों, मैं घर क्यों जाऊँ, मैं क्या आपके साथ ऑफिस में नहीं रह सकती हूँ? नहीं, अगर तुम ऑफिस में रहोगी ना तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम घर जाओ, हम रात में बात करेंगे। राजेश जैसे तैसे करके मंजू को घर भेज पाता है, तब उसकी जान में जान आती है। कुछ देर के बाद यश वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, गया या बचा भाभी के हाथों से? नहीं भाई, आज तो तूने फोन करके बचा लिया मुझे, वरना आज तो मेरी लग जाती। लेकिन तुझे ये सब पता कैसे चला? मैंने भाभी की और अपनी पत्नी की बातें सुन ली थी। मेरी पत्नी तो इतनी तेरी बेइज्जती की कि पूछ ही मत, लेकिन भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क तो तब पड़ेगा ना जब उसे इन चीजों से मतलब होगा, उसे तो बस शक करना है और कुछ नहीं। भाई जब तू किसी के लायक ही नहीं है तब भाभी तुझ पर इतना शक करती है, अगर तू किसी के लायक होता तो पता नहीं क्या क्या करती। तू फिर मेरी बेइज्जती कर रहा है? नहीं भाई, मैं तो अपने दिल की बात तेरे सामने रख रहा था कि तेरी हरकतें तेरी पर्सनैलिटी से मैच बिल्कुल नहीं करती। तेरी बीवी सही कहती है, तुझ पर कोई लाइन मारने वाला ही नहीं है, अगर कोई हुई वो भी तेरी तरह सुखी होगी। क्या बात कर रहा है भाई, अरे मेरी पर्सनैलिटी से ना तू भी धोखा खा गया लगता है। अरे मेरे पीछे ना एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की आती है, जितनी तो तेरी जानकारी में भी नहीं होंगी। तू सच बोल रहा है भाई या झूठ, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। भाई अगर तुझे मुझ पे यकीन नहीं है तो कल मेरे साथ ना मेरे फार्म हाउस पे चलियो, वहाँ पार्टी है, तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। अगर ऐसी बात है तब तो मैं जरूर आऊंगा और इंजॉय भी करूंगा, बहुत दिन हो गए अच्छी पार्टी में नहीं गया। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताइयो, अगर तेरी पत्नी को पता चला तो वो मेरी पत्नी को बता देगी और उसको पता चला तो कलेश हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा तू बोलेगा वैसा करेंगे। यश और राजेश आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी राजेश की साली ज्योति वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, मैं कब से आपका बाहर वेट कर रही थी और आप है कि आप बातों में लगे हुए हो, चलिए हमें देर हो रही है। बेबी तुम बाहर इंतजार करो, मैं बस अभी आया। पक्का, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना?
नहीं बेबी, झूठ नहीं कह रहा मैं। मैं कह रहा हूँ तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। भाई ये लड़की कौन है? बहुत सुंदर है। ओ भाई तमीज से बात कर, साली है मेरी, लेकिन प्यार तो मुझसे बहुत करती है। भाई कम से कम अपनी साली को तो छोड़ दे, भाभी को पता चला ना तो वो तेरी जान ही ले लेगी। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी जीजा साली का रिश्ता ही होता है ऐसा हंसी मजाक का। अब तू ऑफिस देख लियो, मैं चलता हूँ, वहीं से घर भी चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। मंजू को अपने पति पर शक तो था, लेकिन आज तक उसे अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं मिला था, जिसके चलते उसे उसके पति के गोलमाल के बारे में कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर बाद राजेश रेस्टोरेंट में अपनी साली के साथ हाथों में हाथ डाले बैठा होता है, तभी मंजू की दोस्त रीना भी रेस्टोरेंट में आ जाती है और राजेश को किसी लड़की के साथ बैठी देख लेती है और मंजू को कॉल करके कहती है, मंजू तेरा शक सही था यार, बेशक तेरा पति सूखा हो, उसकी कोई पर्सनैलिटी ना हो, लेकिन लड़की उसके पीछे लगी है। वो अभी मेरे सामने किसी लड़की का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है और तेरा पति तो सच में गोलमाल कर रहा है। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है, तभी तो मैं इनके ऊपर शक करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि शक्ल सूरत से ना सही लेकिन पैसे के चक्कर में लड़कियाँ इनके पीछे जरूर पड़ेंगी, और ये भी पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं इनको नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ ठीक है, तू आजा, मैं यहीं तेरा वेट कर रही हूँ। ठीक है, तू उन पर नजर रख, मैं अभी आती हूँ। रीना वहीं बैठी उन पर नजर रख रही होती है, तभी उसके पति का कॉल आता है और वो उसे सारी बातें बताती है, जिस पर वो अपनी पत्नी को वहाँ से निकलने को बोलता है, साथ ही राजेश को मैसेज करके सब बता देता है और राजेश अपनी साली को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और एक बार फिर अपनी पत्नी के हाथों वो बच जाता है। अगले दिन यश और राजेश दोनों फार्म हाउस में पार्टी में जाते हैं, जहाँ राजेश की सारी गर्लफ्रेंड्स आती हैं। रीना और मंजू भी उनका पीछा करके पहुँच जाते हैं और राजेश को लड़कियों के साथ डांस करते देखकर मंजू बोलती है, तू बोल रही थी ना कि ना शक्ल है ना अकल है, इसका कोई गोलमाल नहीं होगा, लेकिन अब सच्चाई तेरे सामने है। अभी भी तू बोलेगी कि मैं अपने पति पर गलत शक करती हूँ? नहीं यार, तू अपनी जगह सही थी, तुझे समझाने के चक्कर में मैंने अपने ही पति पर ध्यान देना छोड़ दिया। अभी अंदर चलकर दोनों को बताते हैं अच्छे से। तू सही कह रही है, आज तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ पाए हैं, आज इनको कैसे छोड़ देंगे। ये मुझसे ये बोलकर आए थे कि ऑफिस में मीटिंग है, बाहर का क्लाइंट है, इसलिए रात में जाना है, तो ये है इनका क्लाइंट। एक नंबर के झूठे हैं दोनों, इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोनों मिलकर अपनी पत्नियों को पागल बना रहे हैं। अगर हम किसी लड़के के साथ बात भी कर ले तो इन्हें पसंद नहीं है और खुद लड़कियों के कमर में हाथ डालकर नाच रहे हैं। कोई बात नहीं, अब चल, थोड़ा इन्हें अपने डंडे की मार पर नचाते हैं। मंजू और रानी हाथों में डंडा लेकर घर के अंदर जाती हैं और अपने अपने पति की बहुत धुलाई करती हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देती हैं। आखिर में वो अपने पति के सभी गोलमाल को पकड़ लेती हैं और बाद में मार मार कर अच्छा सबक भी सिखाती हैं। साथ ही उस दिन के बाद से वो अपने पति को कहीं भी अकेले जाने ही नहीं देती। वृंदा काफी अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रही थी। वृंदा को इतने अच्छे से तैयार देखकर उसकी सास संध्या उसे टोकती है और बोलती है, बहू इतना सज धज के कहाँ जा रही है, कहीं जाने से पहले बता तो दिया कर। माँ जी वो बताना भूल गई, जल्दबाजी में प्लान बनाया मेरे दोस्तों ने, इसलिए दिमाग से ही निकल गया। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त के बेबी का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ मैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ये बता तूने अपनी मांग क्यों नहीं भरी? तुझे पता है ना अब तू कुंवारी नहीं है, अब तेरी शादी हो चुकी है, ऐसे अच्छा लगता है क्या सुनी मांग के साथ बाहर जाना? माँ जी आपके समय में था कि सुहागन को सिंदूर लगाना ही होता है, लेकिन अब के टाइम में ये सब चलता है, अब बस सिंदूर ना लगाने से ये थोड़ी बदल जाएगा कि मैं एक शादीशुदा हूँ। बहू औरतों का गहना होता है सिंदूर, और सुनी मांग रखना कोई अच्छी बात नहीं है, इसे अच्छा शगुन भी नहीं माना जाता है, इसलिए जा जाकर अपने कमरे से सिंदूर लगा ले, फिर जहाँ जाना हो जा। माँ जी आपको अभी ही ये सुनी मांग का ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है क्या? आप बाद में भी तो समझा सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में दोबारा भी समझा दूंगी, लेकिन अभी जो बोला है मैंने तो बस वो कर। माँ जी रहने दो ना, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, कुछ भी अपशगुन नहीं होता और मेरा फैशन भी खराब हो जाएगा, घर के किसी फंक्शन तीज त्योहार में तो मेरी मांग सुनी नहीं रहती ना। बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? अरे मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ,
मैं तुझे कभी किसी चीज में नहीं टोकती हूँ, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे टोकूंगी भी और रोकूंगी भी। माँ जी ठीक है, मैं बर्थडे से वापस आऊंगी तो लगा लूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ सॉरी, आपकी बात नहीं मानी, बाय माँ जी। अरे बहू मेरी बात मान ले, ऐसे बहू की सुनी मांग अच्छी नहीं लगती है। संध्या अपनी बहू को बोलती रह जाती है, लेकिन बृंदा उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। बृंदा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, जो कि शादी के बाद भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही रहती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एक शादीशुदा लड़की की तरह रहना, और यही बात बृंदा की सास संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी बहू को टोकती और बृंदा हमेशा अपनी बहू की बात को नकारती रहती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद बृंदा अपने पति विक्की के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन बृंदा ने काफी ज्यादा छोटी ड्रेस पहनी थी। ये देखकर विक्की कहता है, बृंदा ये तुमने क्या पहन लिया है, हम नॉर्मल घूमने जा रहे हैं, अरे किसी हाई क्लास पार्टी में नहीं जा रहे, जाओ चेंज कर आओ, मैं ऐसे नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। यार विक्की तुम तो ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ भी पहना हो उसे क्या लेना देना, और तुम्हें तो पता है ना मैं शादी से पहले भी ऐसे कपड़े पहना करती थी, तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो अब क्या हुआ। अरे शादी से पहले बात कुछ और थी, तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, चार लोगों के आगे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मेरे दोस्त तुमसे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में। तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा अब लोगों की भी पड़ी है, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे विक्की मैं किसी दूसरे आदमी के साथ थोड़ी घूमने जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ ना। हाँ तुम मेरे साथ जा रही हो, लेकिन आते जाते लोग रास्ते में खड़ा हर इंसान तुम्हें देखेगा, अरे किसी की कैसी नजर है, बुरी नजर है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे। अच्छा बस तुम नहीं चाहते हो तो मैं वो ना करूं जो मुझे अच्छा लगता है। विक्की देखो हमें कार में जाना है, एक रेस्टोरेंट में बैठना है, खाना पीना है और घर वापस आना है, अब इसके लिए तुम मुझसे कपड़े चेंज करने को बोल रहे हो। ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात ही नहीं माननी है तो मत मानो, मैं कहीं नहीं जा रहा घूमने, घर में ही बैठकर इधर उधर घूमती रहो, ठीक है। विक्की यार प्लीज ना, तुम इतनी छोटी सी बातों का इतना बड़ा बवाल क्यों बनाते हो, चलो ना। अगर तुम अपने आप को जिद्दी समझती हो तो ठीक है, अपनी जिद दिखाती रहो, मैं भी नहीं मानने वाला हूँ तुम्हारी बात, जा रहा हूँ मैं सोने। विक्की इतना बोलकर सोने चला जाता है। बृंदा सबसे ज्यादा अपने आप को ही मानती थी, इसीलिए वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। कुछ दिनों बाद विक्की ऑफिस से आ रहा था कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विक्की की डेथ हो जाती है। जैसे ही ये खबर विक्की के घर वालों को मिलती है, संध्या का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर में रिश्तेदार, आस पड़ोस के सभी लोग आते हैं। विक्की की शोक सभा में सब लोग बैठे थे, तभी संध्या की पड़ोसन रामा आती है और कहती है, संध्या तेरी बहू की मांग सुनी तो हो गई है, अब जो उसके नाम का सिंदूर लगाया है उसे हटा दे। दूर हट तुम उससे, अरे तब तो तूने कभी मेरे बेटे के बारे में सोचा नहीं जब वो जिंदा था, तेरे पास था, अब जब वो चला गया है तब तू यहाँ मेरे पास आकर अपने झूठे आंसू दिखा रही है। तेरी बहू भी तो तेरे बेटे का नाम का सिंदूर लगाती ही होगी, लेकिन अब जाने वाले को कोई रोक पाया है जो हम उससे कुछ कर सकते हैं। बृंदा बेचारी पर तो आसमान टूट गया, गम का अंधेरा भी इसका खुद का किया हुआ है, हमेशा खुद को आगे रखने की जिद ही से यहाँ ले आई है और अब यहाँ अपने झूठे आंसू दिखाकर खुद ही मासूम बन रही है। संध्या हिम्मत से काम ले, भगवान है ऊपर से सब देख रहा है, तू खुद ऐसी हो जाएगी तो तेरी बहू को कौन संभालेगा, चल अब चुप हो जा। दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक्ल तो क्या तेरा यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। संध्या तू इतना रोएगी तो तेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, रुक मैं तेरी बहू को बुला कर लाती हूँ, अब वो ही तुझे संभाल सकती है, मैं तो तुझे संभाल ही नहीं पा रही। रामा बृंदा को आवाज लगा कर बुलाती है, बृंदा भी रो रो कर काफी ज्यादा बुरे हाल में आ गई थी। बृंदा अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को चुप करवाते हुए कहती है, माँ जी ये सब क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था लेकिन अब अचानक से ऐसे कैसे हो गया। माँ जी अब विक्की जी के बिना हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे उनके बिना। तू मेरे बेटे के लिए मुसीबत ही थी, आज तक कभी नहीं सुनी तूने, तो अब ये दिखावा मत कर, इससे पहले कि मैं कुछ करने लग जाऊँ तू मेरी नजरों के आगे से चली जा। संध्या ये तू क्या बोल रही है, अरे इन सब में तेरी बहू का क्या दोष है, वो थोड़ी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो,
तू अपनी बहू को खामखा ही इतना कोस रही है? वो बेचारी तो खुद गम के अंधेरे में है। गम का अंधेरा भी इसका खुद का किया हुआ है। हमेशा खुद को आगे रखने की जिद से यहाँ ले आई और अब यहाँ अपने झूठे आंसू दिखाकर खुद को मासूम बना रही है। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल तो क्या, तेरा यहाँ रहना तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ जी मैं जानती हूँ आपको भी विक्की के जाने का उतना ही दुख है जितना कि मुझे, लेकिन इस समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे की मुसीबत। तुम मेरे बेटे के लिए मुसीबत ही थी, आज तक कभी तूने सुनी नहीं, तो अब ये दिखावा मत कर। इससे पहले कि मैं कुछ करने लग जाऊँ तू मेरी नजरों के आगे से चली जा। अपनी सास की बात सुनकर बृंदा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विक्की के जाने के बाद तो सच में पूरे घर की रौनक ही चली गई थी। कुछ दिनों बाद बृंदा अपने कमरे में एक सुहागन की तरह तैयार होकर बैठी, मांग भरकर हाथों में लाल जोड़ा पहनकर बैठी थी। ये सब संध्या देखती है तो वो तुरंत अपनी बहू के पास आती है और उसकी मांग का सिंदूर साफ करते हुए कहती है, बहू भले ही मैं तुझसे नाराज हूँ लेकिन मैं तुझे ये सब नहीं करने दे सकती। अरे जब तेरा पति था तब तूने अपनी मांग सुनी रखी और अब मांग भरकर क्या दिखा रही है? माँ जी मैं तो बहू मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा बेटा चला गया है और तेरी मांग सुनी हो गई है। अब उसके जाने के बाद उसके नाम का सिंदूर लगाकर मांग मत भर, इससे मेरे बेटे का ही अपमान होगा। बृंदा को अपनी सास की बात समझ आती है और वो अब अपनी सुनी मांग को लेकर बस अफसोस ही करती रह जाती है। भक्ति एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। भक्ति का तन मन धन सब देश भक्ति में डूबा हुआ था। साथ ही भक्ति भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी। जहां वो घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती थी, वहीं भगत सिंह को भी रोज पूजा करती थी। ऐसे ही एक दिन भक्ति अपनी क्लास के बच्चों के आगे गीत गा रही थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जय हिंद। भक्ति के जय हिंद बोलते ही क्लास के सभी बच्चे जोर से जय हिंद का नारा लगाते हैं। तभी भक्ति कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, देश के लिए कभी भी कुछ भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही हो जाएंगे। तो हमारे वीर भगत सिंह की तरह सर उठाकर जीना, गुलामी कभी ना करना। इतना कहकर भक्ति अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आते हुए रास्ते में बैठे कुछ नौजवानों की टोली को बड़े गौर से देखती है जो मटर गश्ती कर रहे थे। और जैसे ही वो घर आती है तभी अपने कमरे में लगी हुई भगत सिंह की फोटो के आगे खड़े होकर कहती है, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, जिसे बस नशे आवारा गर्दी और आलस की आदत है। इन सब के अंदर की देशभक्ति की भावना तो जैसे कपड़ों के मैल की तरह धुल ही गई है। किसी को पता ही नहीं है अपने कर्तव्यों के बारे में, बस हर कोई इसका उसका फैन है, कोई भगत सिंह का फैन नहीं है। भक्ति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भक्ति की सास नीना हाथों में पानी का ग्लास लिए आकर कहती है, क्योंकि हर कोई मेरी देशभक्त बहू की तरह भगत सिंह का फैन नहीं होता है। बेटा आजकल के लोगों में वो साहस नहीं है जो शहीद भगत सिंह में और उसके साथियों में था। आजकल तो लोग काम करके नाम दूसरों का लगा देते हैं। जी माँ जी सही कह रही हैं आप। आपको पता है मैं तो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा अच्छी सच्ची और देशभक्ति की बातें सिखाती हूँ। हाँ बहू जानती हूँ, चल अब एक काम कर, फ्रेश हो जा और खाना खा ले, फिर शाम को बाजार जा रहा है कुछ सामान लाने। जी माँ जी ठीक है, जैसा आप कहो, आप खाना लगा लो, मैं अभी आती हूँ। भक्ति की बात सुनकर नीना उसके लिए खाना लगाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और शाम को दोनों बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचकर नीना सब्जियां ले रही थी, तभी भक्ति की नज़र एक गरीब फटे हाल औरत पर जाती है जो सब्जी वाले की रेड़ी पर खड़ी सब्जी के दाम पूछ रही थी। साथ ही वो हाथ की सफाई से कुछ सब्जियां अपने झोले में भर रही थी। उसे ऐसे करता हुआ सब्जी वाला और भक्ति दोनों देख लेते हैं। तभी सब्जी वाला कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, दाम पूछने के बहाने से सब्जियां चोरी कर रही हो? नहीं नहीं मैंने नहीं किया कुछ भी, झूठ बोल रहे हो आप। अरे गरीब हूँ बेईमान नहीं, मैंने नहीं ली कोई सब्जी, भारत माता की कसम। उस औरत की बात सुनकर भक्ति को गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर कहती है,
कितनी बड़ी देशद्रोही हो तुम। अरे अपनी बेमानी छुपाने के लिए अपने ही देश की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आ रही? सच तो ये है कि तुम्हें सब्जियां छुपाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम है, उतने में मेरे परिवार के लिए सब्जियां नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये किया। अरे मेरे गुरु शहीद भगत सिंह ने तो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोहों को बुलंदी प्रदान की थी और भागने से भी मना कर दिया था, और तुम सब्जियां चुरा कर भी भारत माता की झूठी कसम खा रही हो। अरे भगत सिंह ने अपने नाम पर फांसी ले ली थी और तुम खुद की हुई चोरी का इल्जाम भी नहीं ले पा रही हो। माफ़ी मांगो अपनी गलती की और वापस करो सारी चोरी की सब्जियां। भक्ति की बातें सुनने के बाद उस औरत का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी चुराई हुई सब्जियां वापस लौटा देती है, जिसके बाद भक्ति अपने पैसों से उस गरीब औरत को सब्जियां खरीद कर देती है और कहती है, सुनो कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत करो, ऐसे कायर मत बनो, और हाँ फिर कभी भारत माता का नाम ऐसे किसी भी झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है? इतना बोलकर भक्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भक्ति अपनी देशभक्ति और भगत सिंह के सिद्धांतों को हर तरफ फैलाती रहती। ऐसे ही एक रात जब भक्ति अपने पति अर्जुन के साथ सो रही थी, तभी भक्ति नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम आजाद होंगे, मेरा भारत आजाद होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति की आधी रात को नींद में होती इस क्रांति की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाहट में उठता है और भक्ति को उठाते हुए कहता है, अरे भक्ति आंखें खोलो, देखो भारत आजाद हो चुका है, बल्कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उठ जाओ मेरी क्रांतिकारी बीवी। हम आजाद हो गए, भगत सिंह का सपना पूरा हो गया, हम आजाद हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति अपनी देशभक्ति और नींद से बाहर आओ। सॉरी सॉरी अर्जुन, वो मैं सोने से पहले भगत सिंह की एक किताब पढ़ रही थी, उसे पढ़ते पढ़ते कबाक लग गई, पता ही नहीं चला, तो दिमाग में बस वही सब घूम रहा था, सॉरी। तुम सो जाओ, अब कोई नारा नहीं लगाऊंगी, पक्का, सॉरी। भक्ति की बात सुनकर अर्जुन फिर से सो जाता है और भक्ति भी चुपचाप सो जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं और 15 अगस्त का दिन पास आने को होता है और हर तरफ 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्ति भी 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी में लग जाती है। वो स्कूल के बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है, तभी नीना कहती है, अरे बेटा 15 अगस्त की तैयारी कैसे चल रही है, इस बार क्या करने वाले हैं तेरे बच्चे? माँ जी इस बार बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही सिखा रही हूँ। इस बार मेरी क्लास के बच्चे भगत सिंह के गाने पर परफॉर्म करेंगे, और आपको पता है मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों के लिए भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट भी मंगवाई है। जिस तरह से मैं भगत सिंह के रंग में रंगी हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस बार देशभक्ति और भगत सिंह के रंग बिखेरेंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो माँ जी, अरे मैं क्यों बताऊँ, आप और अर्जुन जी स्कूल आएंगे, बस तभी देख लेना, चलो अभी बहुत काम है वो कर लूँ। इतना कहकर भक्ति घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार 15 अगस्त का दिन आता है। नीना और अर्जुन फंक्शन के लिए भक्ति के स्कूल जाते हैं, जहां भक्ति की क्लास के बच्चे भगत सिंह का गीत गाते हैं और उनके गाने पर डांस करते हैं, और अंत में भक्ति हाथों में झंडा लेकर कहती है, डाक दुश्मन का किला कर जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते, भगत सिंह जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते, खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, तू कैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते, क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भक्ति की इस कविता को सुनकर सब लोग खड़े होकर नम आंखों से तालियां बजाते हैं। तभी भक्ति हवा में झूलते झंडे को प्रणाम करती है और कहती है, क्यों बस स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर ही हम सबको देशभक्ति याद आती है,
हमारे दिल में हर वक्त देश के लिए इज्जत सम्मान कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। हर उस वीर जवान के लिए प्रेम भाव होना चाहिए जो हमारी ही रक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं। करो अपने भारतीय होने पर गर्व, अपने देश पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, क्योंकि सर उठाकर जीना है भगत सिंह की सीख है ये। आओ मेरे साथ जोर से मिलकर बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने के बाद सभी लोग साथ में राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे को फूल अर्पित करते हैं और एक साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और 15 अगस्त के दिन को भक्ति पूर्वक मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।